Hi viewers, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss about laws of thermodynamics. That is, पहले discuss करेंगे zeroth law of thermodynamics. According to this law, if two thermodynamic systems are in thermal equilibrium with the third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. Means दो सिस्टम यदि तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो वे दोनों सिस्टम हैं वो भी आपस में कैसे होंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में. थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होता है सिस्टम जब दोनों का टेम्परेचर क्या होता है सेम होता है तभी कोई भी सिस्टम होते हैं दोनों आपस में कैसे होंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में. देखिए सिस्टम ए है सिस्टम बी सिस्टम सी. सिस्टम ए किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ. बी भी किसके साथ है थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ. तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे और ये रिलेशन क्या कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन. अब थर्मल इक्विलिब्रियम में देखिए क्या होता है कि टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो हीट फ्लो. मीन्स दो सिस्टम कब थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे जब दोनों के अंदर कोई भी हीट फ्लो ना हो. और हीट फ्लो कब नहीं होगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तभी हीट फ्लो नहीं होगा. तो देखिए सिस्टम ए है सिस्टम बी है इसका मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है. बी का कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस टाइम पे ये क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है लेकिन जैसे ही इनको जैसे ही धीरे धीरे इनमें हीट ट्रांसफर होगा तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा इक्वल. तो अब इस टाइम पर इन दोनों के अंदर कोई हीट ट्रांसफर या हीट फ्लो नहीं होगा. इस टाइम पर ये सिस्टम ये दोनों सिस्टम के कौन से इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में. और थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है जब सिस्टम के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर हो इन द फॉर्म ऑफ हीट बट मैटर का ट्रांसफर नहीं हो और वर्क का ट्रांसफर भी नहीं हो. वर्क का ट्रांसफर एज ए एनर्जी या एनर्जी का ट्रांसफर एज ए वर्क के रूप में ना हो तो इस कंडीशन में दोनों जो सिस्टम है वो कैसे होंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन मैक्सवेल ने दिया था. इसने एक रिलेशन दिया था इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर तीन रिलेशन थे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि कोई भी सिस्टम ए है ए का खुद के साथ ही इक्विलिब्रियम में होना क्या कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन. मींस कोई भी सिस्टम ए है तो अब खुद का खुद के साथ तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा तो ये जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक रिलेशन मान लीजिए ए और बी दो सिस्टम है ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो बी भी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा ये क्या कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन. सेकंड थर्ड सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन मान लीजिए सिस्टम तीन सिस्टम है ए बी सी. ए किसके साथ है थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ. बी भी किसके साथ है थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ. दोनों किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दोनों सिस्टम आपस में भी कैसे होंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम देन दीज टू सिस्टम आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर. तो ये जो रिलेशन है ये क्या कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन. नेक्स्ट देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि एनर्जी को न तो ट्रांसफर किया जा सकता नहीं उसे सॉरी एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता नहीं उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे ट्रांसफर किया जा सकता है. ये जो लॉ है वो उसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है डेल्टा यू इक्वल्स टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा यू क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी के अंदर कितना चेंज है. क्यू क्या है क्वांटिटी ऑफ हीट. वो क्वांटिटी ऑफ हीट जो सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर होती है.
वर्क के, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, जो वर्क होगा वो, डब्ल्यू वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर जब वर्क होता है तो उसे कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है, और सिस्टम के द्वारा जब वर्क होगा तो उसको क्या कहेंगे, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन, ओके। तो जब सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो W होता है पॉजिटिव, और जब सिस्टम के द्वारा वर्क होता है तो W कैसा होगा, नेगेटिव। हीट क्यों, क्यों यदि एब्जॉर्ब्ड होती है मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो क्यों कैसी होगी, पॉजिटिव, और यदि क्यों रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है तो क्यों कैसा होगा, नेगेटिव, मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्यों नेगेटिव और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्यों पॉजिटिव। जो फर्स्ट रॉ से रिलेटेड है, ए सिस्टम रिलीज्ड 400 किलो जूल हीट एंड वर्कड 180 किलो जूल, देन कैलकुलेटेड इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्या है, जो गिवन है वो लिख लेते एक साइड में। तो सबसे पहले देखिए, क्यू रिलीज्ड एनर्जी दी हुई है मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जब भी एक्सोथर्मिक होती है तो क्यू कैसा होता है, नेगेटिव, तो क्या लिख लेंगे, माइनस 400 किलो जूल। वर्कड मतलब बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है मीन्स एक्सपेंशन हो रहा है, तो डब्ल्यू कैसा होगा, नेगेटिव। ये फॉर्मूला है डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या है, माइनस 400, क्योंकि हीट है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट क्या हो रही है, रिलीज्ड हो रही है। वर्क डन बाय द सिस्टम इसलिए नेगेटिव, तो माइनस 180 किलो जूल, तो टोटल डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आ जाएगा, 580 किलो जूल आंसर।